बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रात न्यूज़ के खुसूसी व्लॉग कहीं अनकहीं के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये कैसी हवाए तरक्की चली है, दिए तो दिए दिल बुझे जा रहे हैं। अमेरिका ने धमकी दी थी कि पाकिस्तान को वो पत्थर के दौर में भेज देगा। पाकिस्तान ने अमेरिका की बात मान ली और डू मोर की गर्दान पर डू मोर करता चला गया, लेकिन अमेरिका ने अपनी बात को ऊपर रखा और अब पाकिस्तान को वो पत्थर के दौर में भेजना चाहता है। आईएमएफ पाकिस्तान में बिजली और तवानाई के तमाम जराए को महंगा करके पाकिस्तान को पत्थर के दौर में भेजना चाहता है। उसे पाकिस्तान के इन हुक्मरानों पर एतबार नहीं है, इसीलिए उसने मिस्टर औरंगजेब जो जेपी मॉर्गन के एजेंट हैं उनको पाकिस्तान भेजा, उनको 3 करोड़ रुपए की नौकरी दिलवाई और उनको यहाँ पर वजीर खजाना लगवाया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह 2047 तक आईएमएफ के चुंगल में रहेगा। हमें ऐसा वजीर खजाना और ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि जाहिर है जमहूरियत का मतलब ये होता है अवाम की हुक्मरानी। लेकिन जब अवाम की हुक्मरानी ही के आसार नजर ना आए, सिर्फ अलामतें और ड्रामे हों, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी जमहूरियत की, ऐसी हुक्मरानी की, और न ऐसी तरक्की की जिसमें हमारे न सिर्फ चिराग बुझें बल्कि हमारे दिल भी बुझते चले जाएं। 1947 से 2047 तक, 1947 में पाकिस्तान बज़ाहिर आज़ाद हुआ था, लेकिन क़याम पाकिस्तान के 11वें साल में आईएमएफ ने पाकिस्तान की मईशत को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। 1958 में पाकिस्तान के लिए आईएमएफ का पहला प्रोग्राम सामने आया था। अब 24वां या 25वां आईएमएफ प्रोग्राम आ रहा है जो पाकिस्तान को 2047 तक अपना गुलाम बनाकर रखने का मंसूबा बनाए हुए है। यानी आईएमएफ पाकिस्तान को 90 साल बल्कि 100 साल तक गुलाम बनाने का मंसूबा लेकर आया है। पाकिस्तान को आईएमएफ ने एक साजिश के तहत पसमांदा अफ्रीकी ममालिक की सफ में लाकर खड़ा कर दिया है और पाकिस्तान की इस बर्बादी का जिम्मेदार पाकिस्तान का मराआत याफ्ता तबका है जो सालाना 14.7 अरब डॉलर अपनी अय्याशी के लिए उड़ा देता है। बात आईएमएफ की हो रही है और आईएमएफ जो है पाकिस्तान में तवानाई के किसी भी जरिए को, चाहे वो पेट्रोल हो, बिजली हो, गैस हो, उसको सस्ता नहीं देखना चाहता। लोगों ने सोलर पैनल लगाए और अपनी सस्ती बिजली पैदा करना शुरू कर दी, या जहां बिजली नहीं पहुंच सकी थी वहां सोलर पैनल के जरिए उन्होंने बिजली अपनी पैदा करनी शुरू कर दी। तो अब वजारत तवानाई में वो लोग उठ खड़े हुए हैं कि जी इसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाए, और इतना भारी टैक्स तजवीज़ किया है 12 किलोवाट के ऊपर 2000 रुपये फी किलोवाट के हिसाब से टैक्स लगाया है। तो ये बेशर्म और बेहया लोग जो हैं ये पाकिस्तान में तवानाई के किसी सस्ते जरिए को नहीं देखना चाहते, क्योंकि इसके नतीजे में प्रोडक्शन होगी। पाकिस्तानी बहुत मेहनती लोग हैं, अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हैं और दुनिया में वो मुकाबला कर सकते हैं पैदावारी लिहाज से, लेकिन यहाँ पर तो हिंदुस्तान का जादू चल रहा है। हिंदुस्तान के हवाले से मोदी से दोस्ती की जा रही है, हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात की जा रही है। हिंदुस्तान के साथ आप दोस्ती के तो आप हमेशा हाथ बढ़ाते रहे, हिंदुस्तान ही झटकता रहा है, लात मारता रहा है, थूकता रहा है। वो उसका इलेक्शन जो है इसी बुनियाद पर होता है कि पाकिस्तान से कितनी नफरत कौन करता है। तो शर्म आनी चाहिए, वो हिंदुस्तान जिसने बलूचिस्तान के अंदर कत्लेआम कर रखा है, वो जो हिंदुस्तान जिसने पाकिस्तान में कई जगहों पर दहशतगर्दी की और कुलभूषण यादव अभी तक पकड़ा गया है, आप उसके बावजूद हिंदुस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वो पहला मुतालबा उसका क्या होगा, कुलभूषण यादव की वापसी होगा? तो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का हाथ जो है वो बहुत ही शर्मनाक होगा। और ये फिर मैं बता रहा हूँ कि आईएमएफ का एजेंडा है कि सोलर के ऊपर भी वो जो है वो पाबंदी लगवा रही है, यानी अल्लाह ताला का दिया हुआ सूरज है जिससे हम बिजली हासिल कर रहे हैं, वो उसको भी नहीं चाहते। इसीलिए ज़रूरी है कि यहाँ से जो आईएमएफ का वजीर ख़जाना है उसको रफू चक्कर किया जाए, जो पाकिस्तानी शहरियत जिसको दी गई थी उसे वापस ली जाए। वो डिज़र्व नहीं करता, जो शख्स पाकिस्तान की शहरियत को मुस्तरद कर चुका है, ठुकरा चुका है, उसके बावजूद पाकिस्तान को ठुकरा कर चला गया सिर्फ अपने लालच की खातिर, अपने पैसों की खातिर, उसको आप बनाते हैं वजीर ख़जाना, शर्मनाक है। हमें ऐसा वजीर ख़जाना नहीं चाहिए, हमें सस्ती बिजली चाहिए, हमें सस्ता पेट्रोल चाहिए, हमें सस्ता सोना चाहिए, हमें सारी चीज़ें उस मियार की चाहिए, हमें
डॉलर भी सस्ता चाहिए, हमारे रुपए की कदर में इजाफा करें ताकि हमारे काम की भी कदर हो। ये कोई तरीका नहीं है कि आप हमारी चीज़ों को डीवैल्यू करते चले जाएं और सिर्फ एक तबका जो है पाकिस्तान के अंदर तरक्की करता रहे, जो नॉन प्रोडक्टिव है, जिसके पास काम करने को कुछ नहीं है, सिर्फ अय्याशी है, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का गैस, मुफ्त का मकान। ये मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूँ, इसलिए दोहरा रहा हूँ कि शायद कोई बंदे खुदा है, सहरा में अजान दे रहा हूँ, शायद किसी की गैरत जाग जाए, क्योंकि सियासतदानों में से किसी की गैरत जाग रही है, उनको सिर्फ अपने मसाइल से दिलचस्पी है, अपनी चीज़ों से दिलचस्पी है, हमारा एक अपोजिशन वो इख्तदार में आ जाए बस, दूसरी तरफ से और आवाम के मसाइल पर कोई इनका एजेंडा नहीं है कि उस पर बात करें। असम्बली में बैठ गए जाके और वहाँ जाके शोर मचाना, गालियाँ मकना और बदतमीज़ी करना, बदतहजीबी करना, ये सारा काम रह गया है। पाकिस्तान की सियासत से तहजीब रुखसत हो गई और पार्लियामेंट जो है बेख्तियार हो गई। हमें वो पार्लियामेंट चाहिए जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी, जिसने फैसला किया और उस पर लोगों ने साथ किया और वह पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बन गया। ऐसे चाहिए फैसले जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने किए थे और जिसको दानिस्ता तौर पर हटाया गया, साजिश की गई, क्योंकि अमरीका को पसंद नहीं था और अमरीका ने उसे इबरत का निशान बनाने के लिए कहा था। हमारे सामने दो तीन खबरें हैं। सबसे पहली खबर तो यह है कि बिजली की कीमत में 2.94 रुपए यानी 3 रुपए फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। दूसरी खबर, बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने 92,69,00,000 यूनिट की ओवर बिलिंग की और आवाम से 34,29,00,000 रुपए जायद वसूल किए। ये सिर्फ लाहौर जोन की चोरी है, जो बिजली कंपनियों ने की है और FIA ने छापा मारा है कि लोगों के मीटर जो हैं उनके ऊपर इसने ओवर बिलिंग की है। कराची की खबर नहीं आई है। तीसरी खबर है कि सोलर पैनल लगवाने वालों पर टैक्स लागू होगा, 12 किलोवाट के ग्रिड पर 2000 रुपए फी यूनिट लिए जाएंगे, वजारत तवानाई का ये फैसला है। चौथी खबर जो है, जो जरा पुरानी है लेकिन इसी से रिलेटेड है, इसी से इसका ताल्लुक है, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि उनकी 1.5 माह की कोशिशों से मुल्क में माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि उनकी 1.5 माह की कोशिशों से माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, लेकिन हकीकत यह है शायद उनकी माशी सूरत हाल बेहतर हो रही हो, आवाम की माशी हालत तो बद से बदतर हो रही है। हर दूसरे तीसरे दिन बिजली की कीमतों में इजाफे की खबर आ जाती है, निपरा तैयार बैठा होता है कि जैसे कोई कंपनियां उनसे दरख्वास्त करें और वो फौरन उनमें इजाफा कर दे। रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में गिरती चली जा रही है, सोने की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, गैस की कीमतों में इजाफा मुसलसल हो रहा है, लेकिन आप फरमाते हैं कि माशी हालत 1.5 माह में अच्छी हो रही है। जब आपका मियार ये हो कि आप सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नीचे होने से माशी हालत के बेहतर या बदतर होने का अंदाज़ा लगाते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज तो एक जुआ है, सट्टा है, और इस्लामी मईशत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इस सट्टे की, इस जुए की। आपने टैक्स के निज़ाम की इस्लाह के लिए क्या मंसूबा बनाया है? क्या मुसलसल बिजली, गैस और पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाकर हुकूमत चलाई जाएगी? अगर ऐसा किया जाता रहा तो मुल्क में माशी तरक्की किस तरह होगी? क्या आप इतना छोटा सा कुल्लिया नहीं जानते कि जब तक तवानाई के ज़राए सस्ते ना हों तो पैदावारी सलाहियत में कोई इजाफा नहीं हो सकता, मार्केट का आप मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि तवानाई के ज़राए सस्ते हों तो सस्ती चीज़ें तैयार होंगी, तब हम आलमी मार्केट में मुकाबला कर सकेंगे। आप उस शोबे को मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस और सहूलतें फराहम कर रहे हैं जो कुछ पैदा नहीं करता, वो सिर्फ खाता है, खर्च करता है। ब्यूरोक्रेसी के गजेटेड अफसरान कब से मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस और मुफ्त सफर और मुफ्त मकान की सहूलत लिए हुए हैं, और दूसरी तरफ जज हैं जो इंसाफ के नाम पर इतनी बड़ी बेइंसाफी कर रहे हैं कि अपनी तनख्वाहें खुद मुकर्रर करते हैं, तो जुल्म है, इतनी बड़ी तनख्वाह। मेरी तो राय ये है 5 लाख रुपए से ज्यादा की तनख्वाह होनी ही नहीं चाहिए, यानी वो तमाम मराहत मिलाकर 5 लाख रुपए हो, तनख्वाह की बात नहीं है, ये जुल्म है। अब तो तनख्वाहें ली जाती है वो तो करोड़ों में जा रही हैं। 3 करोड़ का जो वजीर खजाना बाहर से आपने बरामद किया है, इसकी भी तो तनख्वाह कम करें, इसकी भी तो कटौती करें। जजों की तनख्वाह तो आईन के तहत मुकर्रर होती है और
आइन के अंदर ये काम पार्लियामेंट का है कि वो खुद अदालतों की तनख्वाहें मुकरर करे, या न कि अदालतें खुद अपनी तनख्वाहें मुकरर कर लें। क्या नेपरा और ओगरा जैसे रेगुलेटरी अदारे पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह नहीं हो सकते, उसके मातहत नहीं हो सकते? इनको कमेटियों के मातहत किया जाए, जो पार्लियामानी कमेटियां हैं इन शोबों की, उनके मातहत किया जाए इनको। ये नेपरा और ओगरा आईनी तौर पर ये इख्तियार नहीं रखते कि वो बजट बनाएं, टैक्स लगाएं, कीमतों में इजाफा करें। इनका कोई इख्तियार और कोई हक नहीं है आईनी, कानूनी और अखलाकी तौर पर। बिजली और पेट्रोल की कंपनियां दानिस्ता तौर पर ऐसी साजिशें करती हैं कि उनके नुमाइंदे, उनके मफादात की निगरानी करने वाले इन कमेटियों में जाएं। और जब से ये ओगरा, नेपरा वगैरह बने हैं, सारिफ का कोई नुमाइंदा नहीं है, सारिफ के मफादात का कोई निगरान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंपनियों के मफादात की निगरानी करने वाले लोग मौजूद हैं जो रिश्वत लेते हैं उनसे और उनके मफादात में फैसला करते हैं, उनके हक में फैसला करते हैं, नाजायज़ फैसले करते हैं और मुल्क की मईशत को तबाह करने में इनका हाथ है। बिजली के निरखों में टैक्स को शामिल करना, किसी भी किस्म के टैक्स को, नेपरा और ओगरा के इकदाम ये गैर आइनी है। पार्लियामेंट में नेपरा, ओगरा और एफबीआर के अख्तियारात पर बहस होनी चाहिए। टैक्स जो है पार्लियामेंट मंजूरी दे तो लगाए जाएं, इनडायरेक्ट टैक्स लगाकर उसके दफ्तरों में लोग बैठ गए हैं और फिर रिश्वतखोरी चलती है। और सबसे ज्यादा रिश्वतखोर इदारा जो है वो एफबीआर, ओगरा, नेपरा वगैरह मौजूद हैं। इन इदारे के मेंबरान को जो इख्तियारात दिए गए हैं वो भी आइन से मुतजाविज़ हैं, जो मराहत दी गई हैं वो भी नाइंसाफ़ी पर आइन से मुतसादिम हैं, आइन के बुनियादी हुकूक़ के ख़िलाफ़ हैं। जितनी भी मराहत, तनख्वाहें दी जाती हैं ये सब आइन के बुनियादी हुकूक़ के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि हर शहरी को फिर ये मराहत मिलनी चाहिए, सिर्फ इन लोगों को क्यों? बुनियादी हुकूक़ से ये मुतसादिम हैं। मसावी हुकूक़ की देने की जो ज़मानत देता है आइन, उससे मुतसादिम है। यहाँ कुछ तबकात को मराहत के नाम पर बिजली, गैस, सफ़र, सेहत, मकान, यहाँ तक के खाना भी मुफ्त फराहम किया जाता है, जबकि आवाम को इन चीज़ों के हुसूल के लिए भारी कीमत अदा करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अब आप ये देख लीजिए कि इन लोगों की लालच का आलम यह है कि आवाम ने महंगी बिजली से निजात पाने के लिए शमसी तवानाई का इस्तेमाल शुरू किया तो वजारत तवानाई के करप्ट अफसरान ने, जालिम अफसरान ने अपना देखा कि उनका नाजायज कारोबार खतरे में आ रहा है, तो उसने सोलर पैनल लगाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज दी कि 12 किलोवाट के ग्रिड पर 2,000 रुपये फी किलोवाट लिए जाए, यानी 24,000 रुपये। ये कौन सा इंसाफ है? मुल्की तरक्की के लिए तवानाई के सस्ते ज़राए की ज़रूरत है, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स ना लगाए जाएं। वज़ारत तवानाई के जो लोग मौजूद हैं वो पाकिस्तान की से दुश्मनी कर रहे हैं, बल्कि तमाम जो डिस्कोज में, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में, वो सब पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ये इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की दुश्मन है, दुश्मन अनासर हैं ये लोग, इस मुल्क में लोगों को जीने नहीं देना चाहते, वो की तनख्वाहों पर कब्जा कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, एक शख्स का बिल उसकी तनख्वाह के निसफ का आ जाता है, उससे ज्यादा का आ जाता है बिल, ये जुल्म नहीं तो और क्या है? वजारत तवानाई में, के इलेक्ट्रिक में पाकिस्तान दुश्मन अनासिर छुपे बैठे हैं, इस मुल्क की तरक्की नहीं चाहते, वो इस मुल्क के तवानाई के निज़ाम को तबाह कर देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये निज़ाम भी भारत के हवाले हो जाए किसी तरह, ये दे दें ताकि उसकी दौलत के हिस्सेदार बन जाए, वो ये ख्वाहिश उनकी है। इसीलिए तो आरिफ हबीब जैसे आदमी कहते हैं कि भारत से हाथ मिला। ये मराहत याफ्ता तबका है जिसको, जो टैक्स नहीं देता, जो टैक्स की चोरी करता है, ये टैक्स चोर जिनका बोझ आवाम ने उठाया हुआ है। वजीर आजम साहब, अगर आपकी यही माशी तरक्की है तो हम बाज आए ऐसी तरक्की से। अगर आप वाकई तरक्की चाहते हैं माशी, तो तवानाई के ज़राए को सस्ता करें, गैस के ज़खायर को इस्तेमाल करें, अमेरिका के दबाव से बाहर निकलें, आईएमएफ के दबाव से बाहर निकलें। आईएमएफ की शरायत मानना लाजमी नहीं है, आईएमएफ आपको कर्ज़ा देगा, लाजमी देगा, आप कहें कि हम उसको वापस करने का जो शेड्यूल है वो हम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपको देंगे, लेकिन आप उसकी शरायत ना माने। अगर आप शरायत मानेंगे तो उसके चुंगल से कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। इम्पोर्टेड वज़राए ख़जाना जो है वो शौकत अजीज़ की तरह आते हैं और वज़ीर आज़म बनने की कोशिश करते हैं। वो सिटी बैंक का था, ये जेपी मॉर्गन का है। इससे कबल माजी में पाकिस्तान का एक वज़ीर आज़म इम्पोर्ट किया गया था जिसका नाम था मोइन कुरैशी। पाकिस्तान की शहरियत भी नहीं थी, उसका शनाख्ती कार्ड बनवाया गया, वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुलाजिम रहा था और उन्हीं के मफादात को लेकर आया था और उसने पाकिस्तान की इक्तसादियात की बुनियादें हिला कर रख दी। इसी तरह मिस्टर औरंगज़ेब भी
पाकिस्तान को हमेशा के लिए IMF के चुंगल में देकर चले जाना चाहते। मुल्क में तवानाई के निज़ाम, खासकर बिजली की फराहमी के निज़ाम को सरकारी शोबे से लेकर निजी शोबे में देने की ये तैयारियाँ हो रही हैं। जो कुछ सहूलतें सरकारी शोबे में थी, सरकारी हाथों में थी, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। उस वक्त अगरचे लोड शेडिंग होती थी, उसको ठीक करने की ज़रूरत थी निजी शोबे में। इस वक्त तो जितनी करप्शन और लोगों के साथ लूट मार हो रही है वो हम कह नहीं सकते। पाकिस्तान जो है वो गैर मुल्की अशिया की मंडी बनता जा रहा है। ये IMF का तरीका है कि पहला काम वो ये करते हैं कि मुल्क के अंदर तवानाई के निज़ाम, खासकर बिजली की फराहमी के निज़ाम को तबाह करते हैं, उसको महंगा करते हैं, ताकि आपकी प्रोडक्शन ख़राब हो, आपकी पैदावारी सलाहियत मुतासर हो और आप आलमी मार्केट का मुकाबला ना कर सकें। ये IMF का तरीका है। 24 प्रोग्राम दे चुका है पाकिस्तान को। वो पहले उन पाबंदियों को ख़त्म करता है जो कोई मुल्क अपने मुल्क की मसनूआत को फ़रोग देने के लिए दरामदात पर लगाता है। अब होता यह है कि फिर मुल्क में गैर मुल्की अशिया आ जाती हैं और मुकामी चीज़ों को लोग फिर नज़रअंदाज करने लगते हैं, और फिर उस मुल्क में तवानाई के वसाइल को महंगा करता है, सब्सिडीज़ को ख़त्म करवाता है और मुल्क में दानिस्ता महंगाई पैदा करता है, और इन सब चीज़ों के नतीजे में बेरोज़गारी होती है, बेरोज़गारी पैदा होती है। तो ये मिस्टर औरंगज़ेब भी यही करने आए हैं। वज़ीर आज़म साहब, एक दफ़ा का जिक्र है कि नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद इन्हिसारी का प्रोग्राम तैयार करवाया था। वो ख़ुद इन्हिसारी का प्रोग्राम तैयार हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है कि प्रोफेसर खुर्शीद अहमद ने वो प्रोग्राम तैयार किया था, लेकिन उस प्रोग्राम को मुस्तरद कर दिया गया। वो कहाँ गया? खुद इन्हिसारी का वो प्रोग्राम किसके हाथों बेचा गया? आप उस प्रोग्राम पर क्यों नहीं अमल दरामद कर, और आप मुसलसल IMF के दर पर क्यों जाना चाहते हैं, और ये बैंकार आप लेकर क्यों आते हैं, चाहे वो शौकत तरीन हो, चाहे वो शौकत अजीज हो, चाहे औरंगज़ेब हो, ये बैंकार मुल्की मईशत को नहीं संभाल सकते। डॉक्टर महबूबुल हक जैसा कोई भी नहीं हो सकता। आपसे यही गुजारिश है कि आप इन मामलात की तरफ संजीदगी से तवज्जो दें, वरना लोग तो ये चाह रहे हैं कि इस जमहूरियत से हमें क्या फायदा जिसमें हमारे वोटों की भी कोई इज्जत नहीं है। आपने कहा था वोट को इज्जत दो, न वोटों की इज्जत है। जब ये लोग खुद पहुंचते हैं पार्लियामेंट में तो अब उस पार्लियामेंट को भी कोई इज्जत नहीं देते जिसमें ये मुंतखब होकर आते हैं, जिसकी बिना पर आते हैं, उसको कोई इख्तियार नहीं देते, बेइख्तियार रखते हैं, वहां पर कोई बात नहीं होती। इसलिए जरूरी यह है कि मुल्क में एक इनकलाब की जरूरत है, और वो इनकलाब ये है कि आप मराहत खत्म करें और पेट्रोल, गैस और तवानाई के ज़राए को सस्ता करें, ताकि मुल्क में रोज़गार फैले और पैदावारी सलाहियत में इजाफा हो, लोग अपने तई चीज़ें तैयार कर सकें। कॉटेज इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो चुकी है। अगर आप नहीं कर सकते तो जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब आप संभाल लें, क्योंकि जो कौम अपने आईन के तहत बुनियादी हकूक लोगों को नहीं दे सकती, उसके लिए फिर माशाल्लाह ज़रूरी होता है, और फिर लोग माशाल्लाह का इंतज़ार करेंगे, इंसाफ चाहेंगे, लोगों को रोज़गार चाहिए, तवानाई, सस्ते तवानाई के ज़राए चाहिए। ये नहीं कि वो अगर सोलर पे जाएं तो हुकूमत टैक्स लगाने पर बारे में सोचने लगे। इन्हें शर्म आनी चाहिए, और ऐसे लोगों को जो दफ्तरों में बैठे इनकी मराहत ख़त्म की जानी चाहिए, इनके मुफ्त पेट्रोल बंद करने चाहिए, इनकी मुफ्त बिजली बंद होनी चाहिए, और इनके मकानों का किराया भी बंद होना चाहिए। अपनी जेब से दें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक मकानों में रहें। सैकड़ों एकड़ पर मबनी है कई कमिश्नर हाउसेस, सैकड़ों एकड़ पर मुहित हैं कई कमिश्नर हाउसेस, पिंडी का हो, कराची का हो, कई ये लाहौर का हो, ये सारे एकड़ों पर इनके घर बने हुए हैं। ये सरमाया कौम का है, इस पर कौम की रकम खर्च होती। वज़ीर आज़म साहब, अगर आपने ये नहीं किया तो फिर मुस्तकबिल आपको अच्छे नामों से याद नहीं करेगा। इनकलाबी काम कीजिए, परवाना कीजिए, और IMF को लानत भेजिए, उनको धुतकार दीजिए, और कहिए कि हम पर अपनी शरायत इस तरह से लागू न करें कि हमारे कौमी खुद मुख्तारी मुतासर हो। आपसे इजाज़त लेने से पहले हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और हमारे पैगाम को आम लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि हम ये काम
फलाह आम्मा के लिए कर रहे हैं। अपनी राय का इजहार कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए। अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।